देश में किसान की दुर्दशा क्या है मुझे 20 साल पहले समझ आया। उन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, अपने गांव आया हुआ था। एक संपन्न गांव के किसान हमारे ताऊ जी आए, कहते बेटा पोते को कोई नौकरी दिलवा दो। मैंने संकोच में कहा, ताऊ जी ये तो खाली 10वीं पास है, इसे कैसे नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा, क्यों, पियोन लगवा दो। मैंने सोचा ताऊ जी समझ नहीं रहे पियोन क्या होता है, सोचा ताऊ जी वो शायद ठीक नहीं रहेगा। वो पलट के बोले, क्यों, क्या बुरी बात है, साहब को चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, कुछ कमाएगा तो सही। तब पहली बार समझ आया कि किसान नौकरी के लिए क्यों इतना भागता फिरता है। मैं हैरान हुआ, मैंने चेक किया कि चपरासी की तनख्वाह और 10 एकड़ के किसान की तनख्वाह में क्या ताल्लुक है। तब समझ आया कि चपरासी उस 10 एकड़ के किसान से दुगुना तिगुना ज्यादा कमाता था। तब पहली बार समझ आया कि नौकरी के लिए इतनी मारामारी क्यों है। भारत सरकार के हिसाब से इस देश के औसत किसान को खेती करके कितनी आमदनी होती है एक महीने में, फिर आप अनुमान लगाइए, 3,081 रुपये प्रति माह, यानी कि पूरे परिवार को एक दिन में कोई 100 रुपये की आमदनी होती है खेती करके। और चपरासी, भारत सरकार अपने न्यूनतम से न्यूनतम जो वेतन देती है वो आज की तारीख में 16,500 रुपया है। तब पहली बार समझ आया कि क्यों कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। किसान की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। आप किसी भी गांव में जाके बड़े बूढ़े से पूछ लीजिए, मैंने भी पूछा, अर्थशास्त्रियों से भी पूछा। आज से 40 साल पहले गेहूं का जो दाम था और जो आज दाम है वो 7 गुना बड़ा है, 8 गुना बड़ा है, 9 गुना बड़ा है। और जो चीज़ें किसान खरीदता है उसमें सोना 90 गुना महंगा हो गया है, साबुन की टिकिया होती है लाइफ बॉय वाली 85 गुना महंगी हो गई है, टाटा नमक 40 गुना महंगा हो गया, डॉक्टर और स्कूल की फीस की तो बात ही मत पूछिए, 200 गुना 250 गुना बढ़ी है इस पीरियड में। बाकी लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह इस दौरान 100 गुना बढ़ी है, 120 गुना बढ़ी है, और एक प्राइवेट सेक्टर वाले 250 गुना 350 गुना 500 गुना तनख्वाह बढ़ी है। यानी कि किसान का खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही, बाकी सबकी आमदनी बढ़ रही है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही। आप किसी गांव में जाइए, बड़े बूढ़े को बैठा लीजिए, उससे पूछिए 50 साल पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत है, किसान का सच आपकी आंख के सामने आ जाएगा। इस साल देश के बहुत बड़े इलाके में फसल बर्बाद हो गई, खड़ी फसल पे पानी गिरा, ओले गिरे, हर दूसरे तीसरे साल ये कहानी होती है। पता है किसान को कितना मुआवजा मिलता है, मैंने फिलहाल चेक किया, मैंने पिछले ही हफ्ते चेक किया, उत्तर प्रदेश के किसान ने बताया कि 90 बीघा उसकी जमीन थी, यानी 18 एकड़ वहां पे, और उसे टोटल मुआवजा मिला 3,600 रुपया, यानी कि हर एकड़ के पीछे 200 रुपया, और उस 3,600 में भी 600 रुपया करप्शन में चला गया, लेखपाल ने ले लिया। आप सोचो, कभी हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहे कि आपकी गाड़ी जब तक आधी नहीं टूटेगी तब तक आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। किसान के साथ ये होता है, नियम है कि जब तक आपकी फसल कम से कम आधी बर्बाद नहीं होगी आपको कॉम्पेंसेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। कभी हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी कहे कि आपका घर तो जल गया लेकिन क्योंकि बाकी मोहल्ला नहीं जला इसलिए आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। किसान के साथ यही होता है, नियम यह है कि सिर्फ आपका खेत नहीं, सिर्फ आपका गांव नहीं, पूरा एक ब्लॉक, पूरी एक पंचायत समिति, जब तक उस सारे में फसल बर्बाद नहीं होती तब तक किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। यही किसान के साथ होता है, जिस साल फसल ठीक हो जाती है मुश्किल से आढ़ती का पैसा वापस करता है, और जिस साल प्राकृतिक आपदा आ गई कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं, उसके पास कर्ज में डूबने के सिवा कोई रास्ता नहीं।
पता है आपको कितना कर्ज है किसान पे? भारत सरकार के हिसाब से 2 साल पहले तक एक औसत किसान परिवार पे 47,000 रुपये का कर्ज था। कोई आधे किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या करें, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, बाकी सारे समाज के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, उनकी अपनी आमदनी बढ़ नहीं रही है, शादी में किसी और संस्कार में। किसान के पास एक ही रास्ता है, कर्ज, वो भी कोई बैंक से नहीं, आमतौर पर आड़ती से, साहूकार से। मैंने ब्याज पूछा, मैंने बताया सर 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा। मुझे लगा अरे तो बड़ा ठीक है, 3% इंटरेस्ट में मिल रहा है। फिर समझ आया कि ये 3% पर मंथ है, यानी कि 36% ब्याज, अमूमन 5% यानी 60%, और कभी कभी ज़रूरत हो तो 10% यानी 120% एनुअल इंटरेस्ट के ऊपर किसान को ब्याज मिलता है। इसी की वजह से किसान कर्ज लौटा नहीं पाता है। ये 50,000 रुपये आपको मुझे छोटा लगे, विजय माल्या के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन किसान इस बोझ में दब जाता है। बैंकों से 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ रुपया का लोन लेने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टीवी के ऊपर दिखाई देते रहते हैं। 10,000 रुपये के लोन के पीछे, 500 रुपये के लोन के पीछे किसान की कुर्की होती है, पुलिस उसके घर आती है, समाज से मुंह छुपाता है, तब होती है आत्महत्या। इसलिए इस देश में आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। जब ये समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों देश में आत्महत्या इतनी बढ़ रही है। जब आप कर्ज की स्थिति समझेंगे तब पता लगेगा कि क्यों किसान की आत्महत्या इतनी बढ़ रही है।